जनपद संभल की पहजोई कोतवाली क्षेत्र में बोरिंग की कुइया से ईंटें निकालते समय मिट्टी में दबने से दो की मौत। आपको बता दें कि प्रशासन के काफी समझाने के बाद भी लोग नहीं समझते और बोरिंग की कुइया में घुसकर ईंटें निकालते समय हादसों का शिकार होकर अपनी जान खो देते हैं। पूरा मामला जनपद संभल की पहजोई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेरीखेड़ा का है, जहाँ पर रहने वाले छोटे लाल के खेत में बनी बोरिंग की कुइया में लगी ईंटों को निकालने के लिए नेम सिंह और रिंकू कुइया में घुसे, लेकिन ईंटें निकालते समय ऊपर से गिरी मिट्टी में दब गए, जिसके बाद कोतवाली पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके का मुआयना करने के बाद जेसीबी की मदद से खुदाई करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और उसमें फंसे दोनों लोगों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस विषय में अग्निशमन विभाग के उप निरीक्षक खुशनूद ने बताया कि भेजोई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेरीखेड़ा में बोरिंग की कुइया में दो लोगों के फंसे होने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू करके दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां पर दोनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम राधेश्याम। अच्छा, दो लोगों की मौत हुई है, कैसे हुई है? कुइया में हुई था। कैसे, क्या करने गए थे? बोरिंग की कुइया में ईंटें निकालने थे, उसे फुटबॉल खोलने के मामले में। हाँ, वो कुइया जब ईंटें निकाली तो कुइया फिसल गई, मिट्टी के नीचे दब गई दोनों। अच्छा, क्या घंटे बाद निकले थे? 3 घंटे बाद निकले। अच्छा, कैसे निकाले? वो जेसीबी मंगाई था, जेसीबी से मंगा कर लिया, जब उससे मिट्टी निकलवाई है, जब निकलवाए। पुलिस वगैरह पहुंची? हाँ, पुलिस पूरी फोर्स पहुंची वहाँ। सर, आपकी टीम ने जो अभी बेनीखेड़ा गांव में रेस्क्यू किया है, इसमें आपकी टीम में कौन कौन था और ये आपने किस तरीके से किया है? ये लगभग 5 बजे के करीब में गांव में एक छोटे लाल नामक व्यक्ति का खेत है, उसमें समरसेबिल लगा था। समरसेबिल में जो कुइयां बनी थी, वो कुइयां ईंटों की बनी थी। उन ईंटों को नीचे से निकालने के लिए नेम सिंह और उसका उनका भांजा रिंकू, ये दोनों उस कुइयां में उतरे और ईंटें निकालने लगे। ईंटें निकालते वक्त ऊपर से ढांग गिरी और ये दोनों आदमी उसमें दब गए। हम लोगों को जैसे सूचना मिली, अपनी यूनिट के साथ में हम वहाँ पर पहुँचे, जाके देखा तो कुइयां में ये दो, एक नेम सिंह और एक उसका भांजा, लगभग कोई 13-14 साल का होगा, वो दबे पड़े गए। रेस्क्यू के लिए जब मुआयना किया तो काफ़ी लगभग 25-26 फीट नीचे थे, तो वैसे निकालना और जल्दी निकालना संभव नहीं था, तो जेसीबी को मंगाया गया। जेसीबी से उसको खुदवा करके बड़े सूझबूझ के साथ, कोई उनको चोट न लगे, और उसको खोदा गया, खोदे रास्ता बनाया गया और फायर सर्विस की टीम ने अंदर घुस करके उन दोनों को निकाला। निकालने के बाद में एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस में दोनों ही व्यक्तियों को भरक करके और अस्पताल भिजवाया गया। हमारी टीम में श्रीमान सीएफओ महोदय भी थे, उनके निर्देशन में ये सब काम हुआ। मैं प्रभारी फायर स्टेशन चंदोसी खुशबूत हुसैन, ड्राइवर ओम सिंह, ड्राइवर धनीराम और हमारे जो अंदर कुएं में उतरे वो क्या कहते हैं, जितेंद्र कुमार, मारुतोष और सुरभित कुमार, ये नीचे उतरे, ऊपर से गौरव कपासिया, आकाश कुमार, इन्होंने सभी ने बड़ी मेहनत के साथ में कार्य किया और अपना रेस्क्यू को पूरी तरीके से संपन्न किया। बस